पाकिस्तान विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी द्वारा मोदी के लिए अभद्र एवं अशोभनीय भाषा का प्रयोग किए जाने से आक्रोशित भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने बुद्ध पार्क हल्द्वानी में एकत्रित होकर जिलाध्यक्ष प्रताप सिंह बिष्ट के नेतृत्व में बिलावल भुट्टो का पुतला फूंका और पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन कर जनसभा की गई। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष प्रताप सिंह बिष्ट ने कहा कि आतंकियों को शरण देने वाला पाकिस्तान आज पूरे विश्व के सामने एक्सपोज हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे विश्व के नेता के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं, ऐसे में पाकिस्तान के विदेश मंत्री द्वारा की गई टिप्पणी क्षमा योग्य नहीं है। यहाँ पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने जो असंसदीय भाषा का प्रयोग हमारे देश के यशस्वी और लोकतंत्र के चुने हुए प्रधानमंत्री के बारे में जो शब्द दिए, ऐसे शब्दों की कठोर भर्त्सना करने के लिए आज हम यहाँ एकत्र हुए और उनका जो जनता पर जो आक्रोश है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश है, उस आक्रोश को व्यक्त करने के लिए आज यहाँ पर उनके पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया। निश्चित तौर पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरा देश पूरे विश्व में एक स्थान बना चुका है, सामरिक रूप से शक्तिशाली है, आर्थिक रूप से शक्तिशाली है। इन्हीं सब चीज़ों से पड़ोसी देश पाकिस्तान बौखला गया है और इस तरह की अमर्यादित टिप्पणी, बदतमीजी वाली टिप्पणी, जिसको कि मीडिया भी नहीं दिखा रहा है, ऐसे शब्दों का प्रयोग पाकिस्तान के विदेश मंत्री के द्वारा किया गया है, इसकी हम कड़ी भर्त्सना करते हैं और आज इसी आक्रोश को व्यक्त करने के लिए जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी यहाँ पुतला दहन के कार्यक्रम में पहुंची। रुद्रप्रयाग में भाजपा जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के अमर्यादित बयान के खिलाफ मुख्यालय बाजार रुद्रप्रयाग में जोरदार प्रदर्शन कर पुतला दहन किया। भाजपा जिलाध्यक्ष महावीर सिंह पवार ने कहा कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं विदेशी मंत्री के खिलाफ बयान देकर सार्वजनिक जीवन एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की हर मर्यादा को लांघ दिया, जो कि बहुत ही शर्मनाक एवं निंदनीय है। पाकिस्तान को इस पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। वहीं रुद्रप्रयाग विधायक भरत सिंह चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान को अपनी हैसियत में रहना चाहिए। जिस तरह से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में भारत के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री को आतंकवाद के मुद्दे पर जमकर लताड़ लगाई, उससे बौखलाकर बिलावल भुट्टो ने भारत के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के खिलाफ न्यूयॉर्क में मीडिया के सामने अभद्र टिप्पणी की, जिसका पूरा देश विरोध करता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में खाने के लाले पड़े हैं और आतंकवाद का अड्डा बन चुका है। उस देश का विदेश मंत्री भारत देश के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री पर टिप्पणी कर रहा है, जो हास्यास्पद है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री की इस टिप्पणी का हम पूर्ण जोर विरोध करते हैं और उनकी हैसियत नहीं कि भारत के खिलाफ कोई भी टिप्पणी करे, वरना पाकिस्तान को भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। इस अवसर पर भाजपा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने जो गैर जिम्मेदाराना और निंदनीय बयान दिया है, उसके खिलाफ आज पूरे भारत में जनता में आक्रोश है और इससे स्पष्ट हो गया कि पाकिस्तान अपनी आतंकवाद की नीति से बिल्कुल हटने के लिए तैयार नहीं है, जबकि पूरे विश्व समुदाय में आज उसकी थुक्का फजीहत हो रही है। हमारे विदेश मंत्री ने यूएनओ में बहुत स्पष्ट शब्दों में पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि वो जब तक आतंकवाद नहीं छोड़ेगा तब तक उसके खिलाफ जो है किसी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी। तो आज जो बिलावल भुट्टो का बयान है उसकी हम भर्त्सना करते हैं, उसकी घोर निंदा करते हैं।